तो देखिए आरबीआई ने तो ब्याज दरों में राहत नहीं दी, लेकिन साथ ही महंगाई है कि वो भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। और देश में बढ़ती महंगाई के बीच नींबू की कीमतें सबको चौंका रही हैं। दिल्ली की मंडियों में थोक भाव में भी 250 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिल रहा है नींबू, और बाजार तक पहुंचते कोई भी शहर हो, नींबू का भाव 300 रुपये के ऊपर चला गया है। नींबू का स्वाद ही नहीं, अब तो नींबू का भाव भी मन को खट्टा करने लगा है। देश में पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों के साथ साथ नींबू की कीमत भी आसमान छू रही है। शहर दर शहर तेल के दाम की तरह ही नींबू के भाव में भी आग लगी है। दिल्ली, मुंबई, शिमला, अमृतसर, जोधपुर, हर राज्य के हर शहर में नींबू की कीमतें लोगों को चौंका रही है। 100 रुपए किलो बिकने वाला नींबू 300 और 400 रुपए किलो के पार चला गया है। अभी और कहां जाएगा, अनुमान लगाना मुश्किल हो रहा है। अलग अलग शहरों में नींबू के दाम पर एक नजर डालिए। शिमला में नींबू की कीमत 300 रुपए प्रति किलो है, अमृतसर में 300 रुपए किलो, अहमदाबाद में 350 रुपए किलो, जयपुर में 300 रुपए किलो, तो जोधपुर में तो 400 रुपए के पार पहुंच चुका है। यानी ज्यादातर शहरों में नींबू का भाव 300 या 400 रुपए पार कर चुका है। तपती गर्मी से राहत और बचाव के लिए इन दिनों लोग नींबू का खूब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आसमान पर पहुंच चुके भाव के चलते नींबू अब आम लोगों की पहुंच से काफी दूर दिख रही है। तो आपने देखा महंगाई किस तरह से लोगों को मार रही है। नींबू के भाव भी अब बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। तेल और गैस की बात कर लेते हैं। तेल और गैस के बढ़ते दाम के चलते सब्जियों की कीमत में भी तेजी आई है, इससे घर का बजट बढ़ा दिया है, घर चलाने वाली महिलाओं को परेशान कर दिया है। 22 मार्च को पेट्रोल डीजल की कीमतों में शुरू हुई बढ़ोतरी 24 मार्च और 1 अप्रैल को छोड़कर लगातार जारी है, और आम आदमी का बजट पूरी तरह बिगड़ गया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ज्यादातर राज्यों में महंगाई से आम लोग त्रस्त हैं। लोगों के महीने का खर्च बढ़ गया है। अहमदाबाद के साबरमती इलाके में रहने वाली पुष्पा बघेला का कहना है कि पहले घर 10,000 रुपए में चल जाता था, लेकिन अब ये खर्च 22,000 रुपए पहुंच चुका है। पहले तो 10,000 में महीना आ जाता था, अब तो 25,000 में भी कम पड़ रहा है। पहले तो बचत भी कुछ होती थी, अब तो बचत भी नहीं होती है, और छोकरे की फी होती है, और तेल का भाव, गैस का भाव, नींबू का भाव, साग भाजी का भाव, कठोल का भाव, सब भाव आसमान पे चढ़ गए। खाए तो क्या खाए। जोधपुर में तो हर सब्जी की कीमत दोगुनी से ज्यादा हो चुकी है। यहाँ भिंडी 120 रुपए किलो बिक रही है, तो तोरी और लौकी भी 80 रुपए किलो है। शिमला मिर्च 150 रुपए किलो बिक रहा है, तो हरा धनिया 170 रुपए किलो और टमाटर 80 रुपए किलो। जोधपुर में अपने बच्चों के साथ रहने वाली पूनम शेखावत ने बताया कि सब्जियां खाना और लाना तो जरूरी है, लेकिन जिस तरह सब्जियों की कीमतें बढ़ रही हैं, उससे रसोई का बजट बिगड़ गया है। भाव तेज होने के कारण उसका असर पूरा का पूरा हमारे बजट पर आया है। बजट को लेकर देखें तो सब्जियों के भाव के कारण बजट बहुत गड़बड़ाया हमारा, और हरी सब्जियां हैं जिनको आप 400-500 के भाव से लेकर आ सकते थे, वो सब्जी मेरे 1,000-1,500 रुपये में पड़ गई। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।